आज मैंने मूंग की दाल गेहूं का आटा और पालक से ये बहुत ही टेस्टी थोड़ा डिफरेंट फरे बनाए हैं बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है ये और इसके साथ मैंने धनिए टमाटर और पुदीने की चटनी भी बनाई है खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है तो आप भी इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें इसको बनाने के लिए मैंने एक कटोरी मूंग की दाल ली है और रात को ही इसको मैंने अच्छे से धो के भिगो दिया है ताकि दाल अच्छे से फूल जाए चाहे तो आप इसको सुबह के टाइम में भी गर्म पानी में दो घंटे के लिए भिगो दें तो ये बहुत अच्छे से फूल जाता है और बहुत जल्दी फूल जाता है एक गट्ठी मैंने पालक लिया है पालक को अच्छे से चुन के मैंने दो तीन पानी धो लिया है और अब पालक को हम रफली काटेंगे क्योंकि हम पालक का पेस्ट बनाएंगे तब इसको मैं ग्राइंडिंग जार में डाल दूंगी और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनाएंगे इसमें कोई भी डंठल या फिर पालक का पत्ता ना रहे तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको अच्छे से पीस लें बिल्कुल इस तरीके से और इसको किसी बाउल में निकाल लें जार में थोड़ा सा पानी डाल के उसका पानी भी आप इसी में डाल दें और इसी से हम अब आटा लगाएंगे। तो मैंने एक गठी पालक लिया था तो ये आधा किलो के करीब में आटा है इसमें मैंने आधा चम्मच नमक डाला है एक चम्मच अजवाइन को क्रश करके डाला है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें पालक की जो प्योरी है उसको डालते हुए इसका बिल्कुल जैसे हम पूड़ी का आटा लगाते हैं ठीक इसी तरीके से इसका आटा लगा लेंगे ना बहुत ज़्यादा सख्त ना बहुत ज़्यादा मुलायम तो थोड़ा थोड़ा प्यूरी डालते हुए आटे को गूँथ लें अगर प्यूरी ज़्यादा हो जा रहा है तो थोड़े से आटा की मात्रा बढ़ा दें और अगर कम पड़ जा रहा है तो थोड़ा थोड़ा पानी का छीटा डालते हुए आटे को गूँथ लें तो आटे को मैंने बिल्कुल स्मूथ गूँथ लिया है और एक चम्मच हथेली पे मैं तेल ले रही हूँ आटे के ऊपर लगा के और एक मिनट के लिए इसको और गूँथ लूँगी तो आटा देखिए मैंने बहुत ज़्यादा ना टाइट लगाया है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगाया है बिल्कुल इस तरीके का आटा होना चाहिए अब इसको ढक के हम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे और जब तक ये आटा सेट हो रहा है तब तक इसके लिए हम स्टफिंग तैयार कर लेंगे तो दाल बहुत अच्छे से फूल गया है इसको हम एक ग्राइंडिंग जार में निकाल लेंगे इसमें मैं डालूंगी 10 से 12 लहसन की कलियां तो अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप ना डालें पर इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो 10 से 12 लहसुन की कलियां डाल रही हूँ तीन हरी मिर्च को बारीक काट के डाला है एक से डेढ़ इंच अदरक को ग्रेट करके डाला है तो अदरक और हरी मिर्च को अगर आप छोटा छोटा काट के या ग्रेट करके डालें तो इसके छोटे छोटे पीस नहीं रहते हैं बहुत अच्छे से दर जाता है आधा चम्मच मैंने जीरा डाला है और 10 से 12 काली मिर्च डाला है इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा ना डालें केवल एक से दो चम्मच डालें और इसका बिल्कुल हल्का दरदरा पेस्ट बनाएं बहुत ज़्यादा मोटा दरदरा दर ना बनाएं हल्का बनाएं और पानी की मात्रा बहुत कम रखें देखिए इस तरीके का मैंने इसका पेस्ट बना लिया है और अब इसमें मैं डाल रही हूँ एक बड़े साइज़ का प्याज जिसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है तो बारीक काट के ही प्याज को डालें बहुत मोटा मोटा काट के ना डालें आधा कटोरी मैंने हरा धनिया डाला है इसी के साथ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दें आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर आधा चम्मच गरम मसाला आधा चम्मच अजवाइन आधा चम्मच ही जीरा डालेंगे और एक चम्मच डालेंगे चाट मसाला अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप इस, इसकी जगह पे आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर नींबू का रस भी डाल सकते हैं दो चम्मच इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसकी स्टफ़िंग हल्की चटपटी ही रहती है तभी ये खाने में अच्छा लगता है दो पिंच मैंने हींग डाला है और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है आटा भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और बहुत अच्छे से ये सेट भी हो गया है तो एक बड़ी सी लोई ले लें हाथ में इसको अच्छे से चिकना कर ले चाहे तो चकला अगर बड़ा है तो आप चकले पे बेलें नहीं तो आप स्लैब पे भी बेल सकते हैं तो एक बड़ी सी रोटी बेल लें इसका थिकनेस बिल्कुल इस तरीके का होना चाहिए बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रोटी से हल्का सा मोटा होना चाहिए और कोई भी चौड़े मुँह वाला ग्लास या कटोरी ले लें जिस साइज़ में आप बनाना चाहते हैं उस साइज़ में इसको काट लें अगर ग्लास बहुत छोटा है तो आप इसकी छोटी छोटी पूड़ियाँ बना लें और बेलन से एक दो बार इसको बेल लें तो देखिए मैंने इसको एक दो बार बेल लिया है क्योंकि ये पूड़ियाँ बहुत छोटी छोटी बनी थी और इस पर हम एक एक चम्मच ये स्टफ़िंग डाल देंगे तो स्टफिंग आप जितना पसंद करते हैं उतना डाल दें ये पूड़ियाँ छोटी छोटी हैं तो मैं इसमें एक एक चम्मच स्टफिंग डाल रही हूँ और ये बहुत ईजिली चिपक जाता है तो इसके किनारों पर पानी लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है बस इस तरीके से इसको लें और इसको उंगलियों से प्रेस करते हुए इस तरीके से इसको दबा दें तो सारे पिट्ठी को आप ऐसे ही बना लें और बना के इसको रख लें अगर आ, आप इतना बड़ा बेल के और पूड़ी काट के बना रहे हैं तो ठीक है नहीं तो आप छोटी छोटी जैसे आप पूड़ी बनाते हैं उतनी छोटी छोटी लोई ले लें और उसको बेल के और उससे भी आप इस तरीके से बना सकते हैं तो बहुत बड़ा लोई ना लें लोई की मात्रा बिल्कुल बहुत मीडियम साइज का लें इस तरीके का और इसको भी बेल के आप पूड़ी की तरह इसमें भी स्टफिंग भर सकते हैं तो सारे फरे को मैंने भर के तैयार कर लिया है और मैंने स्टीमर में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है इसके स्टैंड इस में मैंने हल्का सा रिफ़ाइंड ऑयल लगा दिया है ताकि फरे जो है वो चिपके नहीं तो जब तक पानी में उबाल आ जाए इसको हम ढक देंगे पानी में उबाल आ गया है और अब इसमें मैं सारे फरे डाल दूँगी तो फरों को इसमें डालने के बाद इसको मीडियम फ्लेम पे हम 15 मिनट के लिए पकने देंगे धीमी आंच पे बहुत तेज आंच पे भी नहीं और बहुत लो फ्लेम पे भी नहीं मीडियम फ्लेम पे मैं इसको पकाएंगे और इसको ढक देंगे तो इसको पकते हुए चौदह से पंद्रह मिनट हो गया है और देखिए फरे बहुत अच्छे पक गए हैं तो इसको अभी तुरंत ना निकालें नहीं तो ये बहुत सॉफ्ट है टूट जाएंगे इसको हल्का सा ठंडा कर ले तो ये ईजली चम्मच से निकल जाता है तो चाहे तो आप इसको ऐसे भी चटनी के साथ खा सकते हैं और अगर थोड़ा सा फ्राई करके खाएंगे तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा तो मैंने फ्राई पैन में दो चम्मच तेल डाला है इसमें मैंने डाला है आधा चम्मच सरसों के दाने दो हरी मिर्च को मैंने ट्रैंगल शेप में काट के डाला है और पंद्रह से बीस करी पत्ते को भी काट के डाला है इसको इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब फ्रों को दो दो टुकड़े में करके इसमें हम डाल देंगे तो आप चाहे तो चार टुकड़ा भी करके डाल सकते हैं पर चार टुकड़ा बहुत छोटा छोटा हो जाता है चाहे तो दो टुकड़ा भी करके डाल सकते हैं चाहे तो ऐसे भी इसको चटनी के साथ खा सकते हैं ये ऐसे भी बहुत टेस्टी लगता है तो मैंने एक फरे में दो टुकड़ा किया है और इसको इसमें मैंने डाल दिया है तो मैंने टोटल दस फरे को इसमें फ्राई किया है और इसको तीन चार मिनट हम इसमें फ्राई कर लेंगे अच्छे से मिक्स कर ले और इसको और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा औरिगेनो और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो आधा चम्मच के करीब मैंने औरिगेनो डाला है और आधा चम्मच के करीब ही मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाला है और इसको मैंने तीन चार मिनट अच्छे से फ्राई कर लिया है और देखिए फरे बल्कि बिल्कुल रेडी हैं खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी हैं और मैंने पुदीने टमाटर और धनिया की चटनी बनाई है इसके साथ मैंने इसको सर्व किया है तो आप चाहे तो इसको बच्चे के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं सुबह के नाश्ते में भी बना सकते हैं ये बच्चे बड़े सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और ये टेस्टी के साथ साथ बहुत ज़्यादा हेल्दी है क्योंकि मैंने इसको मूंग दाल पालक और गेहूं के आटे से बनाया है तो आप भी एक बार इसे ट्राई ज़रूर करें